हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आज हम बात करें आज के दिन की, तो आज इतनी ज़्यादा बारिश है, हद से ज़्यादा आज बारिश हो रही है। और मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा कि इस समय कोई भी आप लोग पहाड़ों में घूमने का प्लान या फिर पार्टी का प्लान, पहाड़ों में इस समय ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि काफ़ी हालात बहुत ख़राब है इस समय। और अगर जैसे ही यहाँ का मौसम क्लियर होगा, बेहतर होगा, मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। क्योंकि अगर मैं बारिश की बात करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, इस समय मैं अपने घर के सामने हूँ और देखिए कितनी स्पीड से बारिश हो रही है यहाँ पर। ये तो काफ़ी तेज़ी से इस समय बारिश हो रही है। और ये मेरा हर्षू छाता लेके घूम रहा है। हर्षू, आप कहाँ जा रहे हो बेटा बारिश में? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? कहाँ घूमने जा रहे हो? हैं हर्षु, कुछ बोल दे यार। घूमने जा रहे हो? हैं घूमने जा रहे हो? तो आप यहीं रहो, इसके दादाजी चले गए नीचे बारिश का पानी देखने। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसमें कैसे हालात हैं। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आपको जो हमारा रेड होम स्टे है उसके पास, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कि कैसे हालात हैं। और मैं आप लोगों से फिर एक बार कह रहा हूँ, मजा कहीं सजा ना बने, इसलिए कई लोगों के कॉल्स आ रही हैं आज कि हम लोग आने वाले हैं। तो मैं तो उनसे बोल रहा हूँ कि भैया आप अभी ट्रैवल ना करें, पहाड़ों के हालात इसमें कोई ठीक नहीं है। ये देखिए, हर जगह से इस समय पानी आ रहा है। और एक ये छोटी सी नदी हुआ करती है, ये इतना खतरनाक यहाँ पर इस समय दिखाया जा रहा है। मैं और नज़दीक से आपको एक बार दिखाता हूँ। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, बट मैं आप लोग को इस समय हालात के हिसाब से, ओए ओए ओए, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर से मैं आपको दिखाता हूँ ये मंजर, ये देखिए रोडें बंद हैं, गाड़ियाँ सब बंद हैं इस समय। और हम लोग हैं अभी अपने रेड कॉटेज के सामने। रेड कॉटेज का दृश्य तो बेहतर हो गया, लेकिन इस समय के हालात बिल्कुल खराब। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे रेड कॉटेज का सामने का व्यू तो अभी काफ़ी सुंदर है देखने में। पहाड़ काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इस समय, लेकिन जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही ज़्यादा खतरा भी है इस समय पहाड़ों में। तो अभी भी फिर से मैं एक बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस समय ट्रैवलिंग ना करें। ये नज़ारे आपको दोबारा ज़रूर दिख सकते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी दोबारा मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखिए, और ये है सामने हमारा रेड कॉटेज, काफ़ी सुंदर यहाँ पर फूल खिले हुए हैं। इधर और भी दिखाता हूँ आपको हालात, देखिए आज के हालात कैसे हैं। रोडें बंद हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं, लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं। और हमारी उत्तराखंड सरकार के NDRF टीमें तैनात की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी 3 दिन का लगातार रेड अलर्ट किया गया है। तो अब भी पहाड़ों में, अगर कोई लोग पहाड़ों में हैं तो अभी सावधानी से ट्रैवल करें। और अगर कहीं रुके हुए हैं, रिजॉर्ट, होम स्टे या कहीं भी आप होटल्स में रुके हैं, तो वहीं रहें, एक दो दिन के बाद आप लोग ट्रैवलिंग करें जैसे ही मौसम सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रोडें बंद हुई हैं। ये देखिए, कितनी तेज़ पानी आ रहा है। और इस समय यहाँ पर ककड़ियाँ लगी हुई हैं, सब्जियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये हमारी दुकान जहाँ हमारे दिनेश भाई हैं, यहाँ पर डबल दिनेश हैं, दिनेश, हेलो दिनेश, दिनेश भाई, दोनों दिनेश हैं। और ये भाई गजब, ये देखिए कैमरे में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, बट इस समय हालात काफ़ी ख़तरनाक। तो ये मेरे घर के सामने का व्यू है, और वहाँ है एक नदी, वो भी काफ़ी आई है वो, और एक वो उधर सामने नज़र आ रही है, बट यहाँ से कैमरे में जूम नहीं है तो इसलिए वहाँ तक का नज़ारा नहीं देख सकते हैं। बट इसमें पहाड़ों के नज़ारे काफ़ी बेहतर और काफ़ी ख़तरनाक। हो सकता है आगे रोड कैसी है मैं आपको दिखा के लाता हूँ, क्योंकि ये डेंजर एरिया है जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं।
ये है हमारी रामगढ़ नदी, और आप सामने देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी नदियाँ दिखेंगी इसमें मिलते हुए। ये तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश है, और मैंने बोला था ना कई जगह पत्थर आने के, ये देखिए इतने डेंजर पहाड़े हैं। ये देखिए पत्थर भी आए हुए रोड में इधर, ये रोड में पत्थर आए हों, वहाँ को भी खतरा है, तो इसलिए वहाँ को जाना भी ठीक नहीं है। तो इस समय ये हालात हैं पहाड़ों के। कई आपने रील्स देखी होंगी कई सारी, उसमें कई लोग बह जाते हैं, क्योंकि थोड़े से मज़े के लिए आप अपनी ज़िंदगी खो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसमें पहाड़ों पर सफ़र ना करें, ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे ही मौसम शांत होगा फिर आप लोग आराम से पहाड़ों में आ सकते हैं, और भरपूर यहाँ की वादियों का और यहाँ के वातावरण का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ घर को वापस, तो आपसे फिर बात करूँगा जल्दी ही, और यहाँ की अपडेट मैं आपको देते रहूँगा कि कैसे हालात हैं और कैसा मौसम है, कि आपको आना है या नहीं आना है। तो फिर मिलेंगे जल्दी से नए ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।